नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी और आज बात करने वाला हूं चंद्रयान 2 के बारे में। चांद के पास 20 अगस्त को पहुंचेगा चंद्रयान 2, इसके बाद 7 सितंबर को चंद्रमा पर उतरेगा। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने बताया है कि 14 अगस्त को चंद्रयान धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा। इसके बाद यह 20 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंचकर उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी करेगा। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में 20 अगस्त को पहुंच जाएगा। इसके बाद 7 सितंबर को वह चांद की सतह पर उतरेगा। यह जानकारी सोमवार को भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि चंद्रयान अगले 2 दिनों में धरती की कक्षा को छोड़ देगा। सिवन डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्म शती के मौके पर यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। विक्रम साराभाई को भारतीय स्पेस कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। सिवन ने चंद्रयान की गतिविधियों के बारे में बताया है। चंद्रयान 2 के 22 जुलाई के लॉन्च के बाद अब वह धरती के आसपास चक्कर लगा रहा है। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह हम एक खास मूवमेंट करने वाले हैं। 14 अगस्त को सुबह करीब 3:30 पर हम ट्रांसलूनर इंजेक्शन नाम का मूवमेंट करेंगे। इससे चंद्रयान 2 धरती को छोड़कर चांद की ओर बढ़ने लगेगा और 20 अगस्त को हम चांद के नजदीक पहुंच जाएंगे। सिवन ने आगे बताया कि 7 सितंबर को चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। वर्तमान में चंद्रयान 2 बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहना था। चंद्रयान 2 को भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV-MK3 से लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा था। लगभग 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद इसे चांद की ओर बढ़ना था। इस दौरान चंद्रयान की अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड और अब आप ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब आखिरी के 10 सेकंड बाकी हैं। अब मैं कुछ दिन के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उसने 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नंबर को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। वी हैव अ लिफ्ट ऑफ, वी हैव अ लिफ्ट ऑफ, अ परफेक्टली नॉर्मल लिफ्ट ऑफ। लैंडर को विक्रम तथा रोवर का प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर चंद्रयान विक्रम को सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर धीरे से उतारेगा। उसके पश्चात विक्रम चंद्रमा की सतह पर रोवर को चलने फिरने एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोग करने के लिए उतारेगा। रॉकेट 170x38,500 से अधिक किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 2 को स्थापित कर देगा। इसके बाद कुछ दिनों में एक चरणबद्ध तरीके से 5 बार मोटर फायरिंग से चंद्रयान को 105,242 किलोमीटर की एपोजी वाले कक्षा में पहुंचाया जाएगा। फिर चंद्रयान को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में पहुंचा दिया जाएगा। यहां से अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने के लिए उसकी लिक्विड एपोजी मोटर को फिर से चलाया जाएगा। कुछ दिनों में धीरे धीरे यान को चंद्रमा के करीब 100x100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में लाया जाएगा। ऑर्बिटर इसी कक्षा में रहेगा जबकि विक्रम इससे अलग हो जाएगा और डी बूस्टिंग के पश्चात चंद्रमा की 100x30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा, जहां अगले 4 दिनों तक वो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। 4th दिन ऑर्बिटर का OHRC पेलोड दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सुरक्षित लैंडिंग की उपयुक्त जगह को तलाशने का काम शुरू कर देगा। ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा लिए गए चित्रों को पृथ्वी पर प्रसारित करके प्रोसेस किया जाएगा। उसके पश्चात लैंडिंग साइट के मानचित्रों को विक्रम में अपलोड किया जाएगा और फिर नीचे उतरने की शुरुआत होगी। विक्रम पहले चंद्रमा की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा और फिर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा।
चंद्रमा की सतह पर विक्रम के उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। प्रज्ञान अपना संचार संपर्क स्थापित करके बाहर निकलेगा। इसके पश्चात प्रज्ञान एवं विक्रम के पेलोड को कार्यान्वित किया जाएगा और चंद्रमा की धरती का चित्रण, खनिज एवं रासायनिक तत्वों की उपलब्धता, चंद्रमा के बाहरी वातावरण एवं हाइड्रोक्सिल आयंस तथा पानी बर्फ के अवशेषों के बारे में वैज्ञानिक सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। ऑर्बिटर का जीवन काल लगभग एक साल है और विक्रम और प्रज्ञान का जीवन काल चंद्रमा का एक लूनर डे है, जो कि पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर है। ये चंद्रमा की सतह के अभी तक अनजान अनछुए पहलुओं एवं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास है। इसके साथ ही भविष्य में चंद्रमा की सतह का उपयोग करके सौर तंत्र एवं उसके और आगे खोज करने की दिशा में और आगे जाने का प्रयास भी है। इस अभियान से भारत अपनी अंतरिक्ष तकनीकी कौशल एवं मानवता के प्रति अपने वचन को